गोपालगंज जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू। विधानसभा सौसी भाजपा उम्मीदवार राम प्रवेश राय ने किया नामांकन। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार राम प्रवेश राय ने अपना नामांकन दाखिल कराया है। प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैरियर के अंदर ही प्रत्याशी और प्रस्तावक अंदर जा सके, उसके साथ ही प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ ही नामांकन हुआ। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी इतिहास है, चुनाव लड़ते हुए मैं लगातार 1985 से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले भी 4 बार चुनाव जीता हूँ, 4 बार पराजित भी हुआ हूँ। मेरा 8वां है, तो इसलिए जितने भी अधूरी अपने विधायक कार्यकाल में भी मंत्री के कार्यकाल में भी मैंने बहुत सा काम किया है, कुछ अधूरे कार्य हैं जिसको मैं पूरा करूंगा। बाढ़ समस्या है, निश्चित बाढ़ का कैसे दिशा में मैं प्रयास करके फिर बांध नहीं टूटे। ऐसे तो मेरे कार्यकाल में मैं 15 साल विधायक रहा, एक बार भी बांध नहीं टूटा। विधायक बनते बनते एक बार बांध टूटा था देवापुर में, लेकिन उसके बाद मैं जब जितना दिन विधायक था प्रति साल अपने बरौली विधानसभा के अंदर मुख्य तटबंध को या छड़कियों को इतना मरम्मती कराता रहता था कि मेरे यहाँ कभी बांध नहीं टूटा। पिछले दिनों 5 वर्षों में मैं विधायक नहीं था और मेन बांध और छड़की पर मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से बांध टूट गया मेरे बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मेरा प्रयास होगा कि फिर कभी बांध नहीं टूटे और बाढ़ से लोगों को निजात दिलाने का मैं काम करूं। लड़ाई किसे रहेगी आपकी, प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? लड़ाई अभी तो नामांकन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ लड़ाई इस बार त्रिकोणात्मक होगी। भारतीय जनता पार्टी, RJD और बसपा के उम्मीदवार के बीच में त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी, मुझे अनुमान अभी लग रहा है। चेहरा कौन रहेगा? अब चेहरा आने वाले दिनों में लगेगा कि चेहरा क्या रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू।